यहाँ पर कोई हल्दी पीसने वाला ही नहीं है हरिनगर में। देखो इतनी दूर आई मैं प्रताप नगर चल चल के, वहाँ से लाई थी पुरानी दिल्ली से हल्दी, तो अब यहाँ पर मुझे पीसने को मिली है जगह, पीस रहे हैं। यहाँ आके देख रही हूँ तो सारा नक्शा ही बदला हुआ है, पूरी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं सारी प्रताप नगर में, चार बिल्डिंग लाइन में बन रही हैं, जहाँ देखो बिल्डिंग्स बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, पेड़ पौधों का कोई, वैसे यहाँ तो फिर भी ग्रीनरी है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया है यहाँ पर, मैंने अब देखा है प्रताप नगर में, ये देखो ये कैसा है, अभी ये चेक करना पड़ेगा अंदर जाकर, मेरे ख्याल में पेड़ ही होगा, पेड़ ही होते हैं ज्यादातर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पता करते हैं जाकर। ये बेटे पे यहाँ पर फ्री है कि पे करना पड़ता है? हाँ तो कितना मतलब चार्जेस क्या है, किस हिसाब से है? 200, फोन नहीं आ रहा या आपकी वीडियो बन रही है? 500 4,000। अच्छा मतलब मेंबरशिप होगी ना? हाँ मंथली एंड सिंगल भी है, वन डे सिंगल। ये मैंने अब देखा है, अभी बना है ना, पहले नहीं था ना? बहुत पहले, टू इयर्स ओल्ड होगा। हाँ तो मैंने तो पहले कभी देखा नहीं था ना, 2 साल भी हो गए, मैं तो बड़े टाइम बाद आई हूँ यहाँ पर। जिम में भी पैसे देने पड़ते हैं? उसके कितने हैं पता है? कहाँ बना हुआ है जिम? तो कौन सी मशीनें हैं जो पार्कों में लगी होती हैं, वो हैं या डिफरेंट है? अच्छा प्राइवेट जिम है यहाँ पे, अभी देख के आती हूँ जिम। हल्दी तो मैंने पिसने को दे दिया है, चेक करके आती हूँ। ओपन जिम तो ये वही मशीनें हैं, बाकी दूसरा जिम भी होगा अच्छा जिसमें पे करके आप पता करते हैं। वैसे मैं मन में सोच ही रही थी कि जिम जाना शुरू करना चाहिए, लेकिन मुझे ना कोई जिम पसंद नहीं आता, छोटे छोटे जिम हैं। ये तो मेरी वॉक भी हो जाएगी, यहाँ से घर से यहाँ तक आऊँगी तो वॉक भी हो जाएगी, और थोड़ा बहुत मशीन्स चाहिए होती हैं। बट ये ना मुझे ना पता क्यों नहीं अच्छा लगता जिम जाना, एक तो छोटे होते हैं, ऊपर से ना सब आपको वॉच करते हैं। जिम होना चाहिए एक्चुअली घर पे ही, और अपना जब मन करे आप, मॉर्निंग में होता है टाइम असली, उठ के अपना कर लो, और वो हम आलस करते रहते हैं जिम जाने का। मेरे को 4 बजे करना पसंद है, 4 बजे तो खुलते नहीं है जिम, तो मेरे ख्याल में 6 या 7 बजे, 7 बजे खुलते हैं या 6 बजे खुलते हैं, कोई टाइम होता होगा। मतलब मैं पहले जाती थी, बट वहाँ ना लड़के मशीनों से ही नहीं हटते, बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, मैनर्स भी नहीं है, किसी को घेर के बैठ जाएंगे, मशीन छोड़ते नहीं है। पहले एक जेल रोड पे बॉडी डॉक्टर जिम था, तो वो मुझे पसंद था क्योंकि वो बहुत खुला खुला था, और वैसे पार्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन ना यहाँ पर वो नहीं है, कोई घास वगैरह नहीं है, कुत्ते बैठे हुए हैं। बट यहाँ पर जिम का मुझे कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा, यहाँ तो है ही नहीं मेरे ख्याल जिम, बच्चों ने ऐसे ही मुझे बेवकूफ बना दिया। अंदर होगा, बाकी ये झूले वगैरह लगे हुए हैं बच्चों के यहाँ पे। ये प्रताप नगर में मैंने, ये 2 साल हो गए, लेकिन 2 साल मैं कभी यहाँ आई नहीं, तो मुझे इतना पता नहीं है। वैसे तो मैंने हल्दी दी है पिसने के लिए, मुझे अपने सामने पिसवानी थी क्योंकि मैं बहुत दूर से लेके आई हूँ पुरानी दिल्ली से, तो अगर आपने सामने नहीं पिसवाई तो बेकार है फिर लाना, ये लोग हेरा फेरी कर देते हैं। बच्चे खेल रहे हैं इवनिंग, वैसे ये जगह खुली होनी चाहिए खेलने के लिए,
प्रताप नगर अब अच्छा बन गया है, पहले अजीब अजीब सा था, अब यहाँ पर फिर भी मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। आज बिल्डिंग वगैरह अच्छे फ्लोर बन गए, ऊपर से ये खेलने की जगह बड़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, होती नहीं है मोस्टली, ये मैंने फर्स्ट ये ग्राउंड देखा है जहाँ पे बुड्ढे नहीं बैठे और बच्चों को खेलने दे रहे हैं। ज़्यादातर पार्कों में क्या होता है, हमारे वहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पार्क में बूढ़े आकर कब्जा कर लेते हैं, कोई क्लैप्स कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बड़ी गंदी गंदी नॉइजेस करते हैं, कोई शंख बजा रहा है पार्क में आके, क्या मतलब है पार्क में आके क्यों इतनी वो कर रहे हो, तुमने पूजा पाठ करनी है घर पे करो। फिर बहुत हंगामा, हा 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 करते हैं और क्लैप्स करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं बूढ़े, बड़े बड़े नॉइजी से हैं, अजीब से, उन्होंने पूरा मतलब जब भी चले जाओ ना वो तुम्हें पार्क में ही मिलेंगे, इवनिंग में चले जाओ मॉर्निंग में चले जाओ, उनको शायद घर से निकाला होता है। तो यहाँ पर ऐसा माहौल मैं नहीं देख रही, अब यहाँ पर कोई मुझे रास्ता ही नहीं दिख रहा जहाँ पर जिम की ओपनिंग हो। ये काफी बड़ा एरिया है, इसकी एंट्रेंस कहाँ पे है, ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, ये बस पार्क पार्क है, अभी चला ही नहीं है, स्टार्ट नहीं हुआ, चालू होगा। अच्छा, तो अभी मुझे पता लगा है कि ये जिम अभी वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, बस बना हुआ है, वो भी गवर्नमेंट का है, डीडी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी मीन्स डीडीए। अच्छा, ये गेट है और ये बच्चे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कुछ है ही नहीं यहाँ पे अभी, शायद अच्छा हो सकता है पहले हुआ हो फिर अब बंद हो गया हो, मेंटेन करने के लिए भी तो काफ़ी चाहिए। मेरी तो होप हो गई थी कि मैं शायद जिम में आऊँगी। एनीवेज ये तो सब होता रहता है, मिलती नहीं है एक्चुअली, यहाँ बड़ा कंजस्टेड है सारा, मुझे कुछ पसंद नहीं आता यहाँ पर, जहाँ देखो लोग हैं जहाँ देखो लोग हैं, इतना हर जगह पे बाहर निकलते ही। अभी मैं आपको घंटाघर में दिखाऊंगी कितनी रौनक होती है इवनिंग में, ये हल्दी पिसवा लूं। भैया हल्दी कहाँ पे डालोगे, कौन सी मशीन में? भैया मैं दूर से आई हूँ, अभी बना दो।